तो बताइए क्या कहते हैं जानना चाह रही थी कि जैसे मैं आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर देखते रहती हूँ कि आप हुँ. हर थोड़े टाइम में ना स्टेकेशन के लिए जाते रहते हो तो मुझे जानना था आप स्टेकेशन के लिए क्यों जाते हो हम्म तो देखिए वैसे तो कहा आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा हाँ देखिए स्टेकेशन एक बार क्या हुआ कि मैं सोचिए दिल्ली में रहते हैं हम लोग तो, ठीक है इससे पहले नोएडा में थे तो क्या हुआ कि एक बार नोएडा में हम लोग सेक्टर 143 में रहते थे ठीक है सेक्टर 143 से थोड़ा सा पास में था ग्रेटर नोएडा बिल्कुल पास में मतलब मान के चलो मैक्सिमम पंद्रह से बीस मिनट ओके और वहां पे एक, हो, एक होटल है क्राउन प्लाजा होटल ठीक है तो एक बार क्या हुआ कि मतलब स्टेकेशन के लिए हम गए क्राउन प्लाजा में रुके मैं सौम्या वाइफ और कबीर ठीक है तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि यार ये क्या बकवास बात है कि एक ही शहर में सिर्फ सिर्फ पंद्रह बीस मिनट दूर एक किसी होटल में रह रहे हो है ना और अपने अच्छा खासा घर है घर में भी अच्छा खासा रह रहे हो मतलब बस एक रात वहां पे रह के आ रहे हो ये क्या है मतलब या तो होटल में तो नॉर्मली लोग तब रुकते हैं ना जब किसी और शहर में जा रहे हो कब कोई को ठिकाना नहीं है तो भाई होटल में रुक के लेकिन उसी शहर में रहते हुए उसी शहर में किसी होटल में रुक के आ रहे हो ये क्या है मतलब फालतू में पंद्रह बीस हजार खर्च करके आ रहे हो ठीक है ये सब तो ये क्या फायदा फालतू कि शौक पाल लिए लग्जरी वाले <laughs> तो तो ऐसा होता ही है मतलब एक माइंडसेट एक माइंडसेट तो ये है कि ये ऐसा क्या है लेकिन दूसरा दूसरा ये भी नहीं है कि बहुत रुपए कमा रहे हो तो बस उड़ा रहे हो ये भी माइंडसेट नहीं है देखिए स्टेकेशन पे जाने का जो मेन जो मेन चीज़ है नॉर्मली क्या होता है कि जब मैं जॉब में था तब तो उस टाइम पर आदमी सोचता है कि चलो सैटरडे संडे आएंगे तो इन्जॉय करेंगे है ना और मंडे टू फ्राइडे काम करो सैटरडे संडे एंजॉय करो और तो उस टाइम पे आपको कुछ माइंडसेट चाहिए होता है कि यार बहुत झेल लिया जॉब तो आप कुछ नया करें तो इसलिए चलो एक होता है कि रिलैक्स करने के लिए लेकिन ऑलरेडी मैं मतलब ऑनलाइन काम जो कर रहा हूँ मैं उस काम को भी पसंद कर रहा हूँ तो ऐसा भी नहीं कि मैं उसको एस्केप नहीं करना चाहता फिर स्टेकेशन क्यों है तो ना एक तो होता है कि मंडे टू फ्राइडे बहुत काम किया यार अब स्टेकेशन चलो ठीक है लेकिन फिर भी क्यों तो देखिए इसका रीजन ये भी नहीं है इसका मतलब रीजन ये नहीं है कि मैं अपने काम से एस्केप करके एक दिन शांति से निकलना चाहता हूँ नहीं मैं तो बल्कि काम करता हूँ मुझे अच्छा लगता है ठीक है और दूसरी चीज ये भी नहीं है कि फालतू के शौक पाल लिए बात वो भी नहीं है तो इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक माइंड है वो माइंड ये है एक्साइटमेंट देखिए ये रियलिटी है और एक दूसरा माइंड सेट है देखिए जो सक्सेस सक्सेस क्या होती है देखिए सक्सेस सबकी अलग अलग डेफिनेशन है बट आप और आपके आसपास का जो माहौल है अगर वो पॉजिटिव है ना तो आप एक अच्छी लाइफ जी हो भले ही रुपए कम है या ज्यादा है कोई मतलब नहीं है लेकिन आसपास का माहौल अगर अच्छा है घर का माहौल अच्छा है या जो भी लोग मिल रहे हैं मतलब रिलैक्स यही एक रिलैक्स एक तरीके से एक अच्छा लाइफ स्टाइल लेकिन अब सोचो इमेजिन करो ऐसे ही हमारा ह्यूमन ब्रेन कुछ इसी तरीके से काम करता है कि इमेजिन करो कि जो चीज़ आपको पसंद है जैसे एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ जैसे मान लीजिए मुझे चाय पीना बहुत पसंद है और एकदम से ये दरवाजे को खोल के कोई मुझे बोले कि भाई चाय बन रही है चाय पियोगे तो एकदम से मेरे माइंड में होगा हाँ भाई पियोगा एकदम से अभी मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ एकदम से एक्साइटमेंट है अरे वाह चाय बन रही है तो चाय जो बन रही होगी वो जो पाँच दस मिनट उस पाँच दस मिनट में आपका एकदम से मूड अपलिफ्ट हो गया कि यार चाय बन रही है आपकी जो भी फेवरेट चीज़ है आज आपने सोचा कि यार अभी दो बज रहे हैं आज शाम को पार्टी में जाना है पार्टी आज से शाम को तब तक मैं काम कर लेता तो आपको काम में बड़ा मन लगेगा एक होता है काम में एक यहाँ पर क्या हो रहा है आपको पता है कि शाम को पार्टी में जाना है और आप एक्साइटेड हो उसके लिए तो आज अभी आप मन लगा के काम करोगे क्योंकि और हाई एनर्जी में रहोगे दोपहर के टाइम आपको नींद नहीं आएगी कि लंच करना नींद नहीं, नहीं आएगी ये सोच के कि अभी काम निपटा लेते हैं शाम को तो पार्टी करनी ही है राइट सिमिलरली इसमें ये क्या हुआ कि आप फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हो फ्यूचर के कुछ इवेंट होने वाले हैं उसके लिए लिए एक्साइटेड एक्साइटेड हो हो जब आप बोरिंग रूटीन लाइफ जी रहे हो और फ्यूचर के लिए कुछ नहीं हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि कितना भी रुपया आप कमा रहे हो या कुछ भी काम आप कर रहे हो जस्ट डेली रूटीन चले आ रहा है चले आ रहा है तो एक तरीके से मज़ा तो आ रहा है लेकिन वो मजा भी कही कहीं ना कहीं बोरिंग में आता है ओके तो मतलब समथिंग टू लुक फॉरवर्ड सिमिलरली अगर आप सोचिए अगर आपके घर में एक माहौल बन रहा है और आपको घर वाले बोल रहे हैं कि अगले हफ्ते हम सब लोग स्टे मतलब एक एक रिसोर्ट रिसोर्ट में में स्टेकेशन में रहेंगे और दो दिन वहां पे खूब पार्टी करेंगे तो घर का माहौल से खुशहाल होगा कि नहीं सब कैसे अरे वाह अगले हफ्ते पार्टी है है ना एक होता है शादी है कुछ है तो उस टाइम पे आपको बड़ा बिजी हो जाते हो लेकिन अगर आप स्टेकेशन के लिए जा रहे हो ऐसे तो बड़े खुश होते सिमिलरली मैं क्या करता हूँ इसको बोलते हैं गुड हार्मोन एंडोरफिन ठीक है और मैं अः सौम्या कबीर इन लोगों को बोलता हूँ कि आज मैं मतलब ये थोड़ा सा इस हफ्ते यही है मैं काम करने वाला हूँ थोड़ी सी प्लानिंग है ये सब मुझे खत्म करना है ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है या ये सब करना है ये जो भी करना है, जो भी भी वेबिनार रिकॉर्ड करना है है और अगले संडे को मैं क्वेश्चन को, पूछता हूँ जबकि बच्चा तो कोई पूछता नहीं मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कभी अगले संडे तुम फ्री हो क्या अरे भाई मैं तो फ्री देखिए वह तो फ्री ही है तो अगले संडे मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक एक काम करते हैं स्टेशन के लिए चलते हैं तो वो खुश हो जाता है ठीक है ऐसी सौ खुश हो गई और बिल्कुल वो खुश है खुशे है, खुश है इन द मीन टाइम मेरे को फुल रिलैक्स होकर मैं आप काम करता हूँ लेकिन जब आपके आसपास के लोग बोरिंग लाइफ जी रहे होते हैं ना आप तो काम करने में मजा आ रहा है लेकिन आसपास के लोग बोरिंग लाइफ जी रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो कहते हैं यार मुझे टाइम नहीं दे रहे ये नहीं दे रहे वो नहीं दे रहे टाइम आप समझते हैं तो ये भी एक फैक्टर है कि कीपिंग दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट एक्साइटेड ठीक है आसपास के एनवायरमेंट को एक्साइटेड रखना ये भी एक रीजन है जो कि मेरे को बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है कि मैं बोलता हूँ कि चलो ये दो दिन बाद या दो हफ्ते बाद हम लोग स्टेकेशन के जाएंगे तो खैर स्टेकेशन के जो है एटलीस्ट एटलीस्ट दो महीने में एक बार हम लोग प्लान करते हैं जाने का जैसे स्वामी बर्थडे है बर्थडे है अम, मेरी बर्थडे है एनिवर्सरी है तो हम लोग ज्यादा पार्टी वार्टी ना देकर हम खुद खुद कहीं स्टेकेशन के लिए चले जाते हैं तो इस तरीके से ये एक एक माइंड सेट है <laughs>

तो उनका क्या माइंडसेट रहता है उस तरीके से आपको तो क्या लगता है कि जो भी ऑन्टरप्रीनोर्स हैं या फिर जो भी मतलब बुक्स वगैरह में ये शेयर करते हैं है ना काफी मतलब वेल्दी पर्सन जो रिच पर्सन होते हैं वो लोग भी इस तरीके की बातें करते हैं तो उस, उसके पीछे उनका क्या माइंडसेट रहता है क्यों वो ऐसा बोलते हैं क्या मतलब एक तो होता है ना तो मिडिल क्लास फैमिली में जैसे आपने शेयर किया आपकी मम्मी ने आपको बोला था कि बाहर एक ही शहर में रहकर दूसरी जगह क्यों जा रहे हो है ना वैसे ही मेरी मम्मी भी अगर मैं कहीं बाहर जाने के लिए बोलती हूँ या फिर मेरे घर वाले भी मुझे ऐसे बोलते हैं कभी मैं कहीं बाहर जाने का प्लान करती हूँ तो कि तुम जॉब करके जो पैसा कमा रही हो उसको तो कहीं सेव कर लो कुछ गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर लो नहीं। नहीं। पर घूमने तो तो फिरने में क्यों वेस्ट कर रहे हो तो मतलब कभी कभी जैसे आपने जो परसपेक्टिव दिया वो मुझे क्लियर हुआ लेकिन बाकी लोग भी इस तरीके की बात करते तो उनका क्या परसपेक्टिव रहता है थोड़ा सा उस बारे में मुझे जानना है देखिए ये तो एक बात हो कि दुनिया एक्सप्लोर करो लेकिन ये सबका नेचर नहीं होता ठीक है सबका पर्सनल नेचर नहीं जैसे मेरा भी नेचर ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने जा रहा हूं लेकिन एक तरीके से मैं बहुत ज्यादा मैं ऐसा कोई ट्रेवलर तो मैं हूँ नहीं ऐसा नहीं है कि मैं कभी साउथ इंडिया घूम रहा हूँ कभी यहाँ घूम रहा हूँ वहां घूम रहा हूँ ऐसे ऐसा मैं नहीं हूँ लेकिन गेस कुछ लोगों का शौक है ये कुछ लोगों का शौक है कुछ लोगों का शौक होता है कि बहुत ही लंबी ड्राइव दिल्ली से मुंबई ड्राइव करके जाएंगे कुछ लोग बाइक बाइकर्स होते हैं तो सबका अपना अपना शौक है लेकिन मेरा ऐसा मतलब पर्सनल लेवल में अगर मैं बोलूँ तो मेरा ऐसे कोई शौक नहीं है मेरा शौक तो बस यही है कि आस पास में ही दो सौ डेढ़ सौ दो सौ किलोमीटर की रेंज में फ्रीक्वेंटली मतलब फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करता रहो मतलब फ्रिक्वेंटली आस पास में जाते रहो हर एक दो महीने में एक बार और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए एक रिदम में काम करना और आ, सिंपल सी बात यह है कि मतलब लोगों को एक्साइटेड रखना साथ के लोगों को लेकिन मेरा पर्सनली ये नहीं है कि मैं कुछ एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ कि भाई वेस्ट बंगाल कैसा है ये साउथ इंडिया कैसा है तो मतलब पर्सनली ऐसा नहीं है लेकिन ये शौक होता है कि जिन लोगों का शौक है वो लोग करते हैं ऐसे मेरे हिसाब से तो ओके okay, ओके okay, और सर एक चीज और बताइए जैसे इतना हम जैसे स्टेकेशन के लिए जा रहे हैं या फिर हम थोड़ा घूम फिर रहे हैं तो उसको प्लान कैसे कर सकते हैं जैसे ठीक है अभी तो हम नेटवर्किंग बिजनेस में हमारे पास में टाइम भी है और जिस तरीके से आपने ऑटोमेट कर रखा है तो वो चीजें आपके लिए ईजी है पर किस तरीके से आप प्लान करते हो क्योंकि हर जगह कहीं जाते हैं तो वो पैसा भी लगता है और एक चीज और जाननी थी इसके साथ में कि इसको घूमने फिरने को भी कैसे हम मोनिटाइज कर सकते हैं लाइक अगर बाहर जा रहे हैं सब चीजें कर रहे हैं तो घूम भी ले

और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत है कि मेरे पास बहुत रूपये ऐसा भी नहीं है मतलब मैं भी नॉर्मली अर्निंग कर रहा हूँ अगर मैं जॉब में भी होता है उसको थोड़ा सा ज्यादा ही अर्निंग कर रहा हूँ बस ऐसा है कि मतलब टॉप अचीवर तो नहीं हूँ अपनी कंपनी का लेकिन है कि आई एम यूजिंग मनी टू टाइम ओके ये चीज है इंपॉर्टेंट और जहां मॉनिटाइज करने की बात है एक एक्सपेरिमेंट मतलब मैं फ्यूचर में करना चाहता हूँ वो ये है कि क्या हमारा बिजनेस क्या मेरा बिजनेस मैं अपनी बात करता हूँ क्या मेरा बिजनेस अगले दस दिन मान लीजिए मैं प्लान कर रहा हूँ टेन डेज मान लीजिए मार्च या अप्रैल के टेन डेज इन टेन डेज अगर मैं कुछ काम ना करूँ बिल्कुल भी इवन लैपटॉप भी ओपन ना करूं तो मेरा क्या बिजनेस चल पाएगा एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन ओके सोचते हैं जब सोचेंगे तो माइंड अपने आप ही आंसर देगा सिमिलरली एक्सपेरिमेंट कि क्या एक महीने बिना कुछ काम करे क्या बिजनेस तब भी चल पाएगा क्या क्या चीजें होती हैं जो कि जिसमें सिर्फ मेरी ही रिक्वायरमेंट है एक तो हो गया कॉन्टेंट क्रिएशन हो सकता है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सिर्फ मेरी ही रिक्वायरमेंट होगी क्या मैं उस चीज़ को भी डेलीगेट कर सकता हूँ जैसे कि एग्जाम्पल अभी हम लोग गेमीफाई करते हैं तो मैं लोगों को गिफ्ट देता हूँ तो वो मेरा काम है लेकिन क्यों ना उसको भी आराम से डेलीगेट किया जा सकता है इसी और एक्सल मतलब गूगल शीट में एंट्री आ गई किसी पर्सन को बोल दिया बस आपको ऑर्डर प्लेस करना है ये बजट है उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया और उसको ऑर्डर प्लेस करने का भी उसको एक गिफ्ट मिल रहा है अलग से सोचो तो इस तरीके से भी गेम डेलीगेट किया जा सकता है और मैं सोचता हूँ कि कौन कौन से ऐसे टास्क है जिसको डेलीगेट कर दें और जिससे कि आ, बिजनेस को हंड्रेड परसेंट मोड पर आगे रन किया जाए ना एक तो ये एक्सपेरिमेंट है दूसरी चीज देखिए हमारा माइंड क्रिएटिव माइंड कब काम करता है जब हम लैपटॉप के सामने बैठते हैं तब नहीं जब हमारा माइंड रिलैक्स होता है तब हमारा क्रिएटिव माइंड काम करता है तो अगर साइंस की बात करें तो साइंस ये है स्टेकेशन पे या किसी नई जगह नेचर में जाने का सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो ये है कि आपका यू विल अगर आप किसी क्रिएटिव काम में हो जैसे स्पेशली हम लोग कॉन्टेंट क्रिएशन में तो हमारा क्रिएटिव दिमाग तब काम करता है जब हम बिल्कुल रिलैक्स हैं ओके लैपटॉप के सामने आज मैं क्या कॉन्टेंट बनाऊँ कभी आइडिया नहीं आएगा कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन लेकिन आप थोड़ा सा वॉक करने जाइए आपको बहुत सारे आइडियाज आने लग जाएंगे तो सिमिलरली जब मैं स्टेकेशन पे जाता हूँ तो अक्सर बहुत सारे नए नए आइडियाज मैं सोचता रहता हूँ दिमाग में बिजनेस चलता रहता है ठीक है एक्साइटेड रहता हूँ अरे वाह इतना अच्छा आइडिया इतना अच्छा आइडिया उसको मैं कहीं ना कहीं अपने एप्पल नोट्स में सेव करता रहता हूँ और अब ये तो ये हो गया ठीक है लोगों को एक्साइटेड रखना आसपास के लोगों को खुद भी एक्साइटेड रहना तीसरे चीज कि एक अच्छे जगह रह रहे हो तो एक अमीरों के सर्कल में रह रहे हो आप तो एक हल्का से एक एनर्जी भी कैच करते हो आप ठीक है एक अच्छी अच्छी जेंट्री की एनर्जी कैच करते हो और साथ में क्रिएटिव दिमाग आपको ओपन रहता है तो वहाँ जाके मैं कुछ कॉन्टेंट वॉन्टेंट भी क्रिएट कर लेता हूँ ठीक है तो क्योंकि वहां पर बैकग्राउंड सब अच्छा होता है और शांति होती है जैसे ना एक और चीज यहाँ पर क्या है कि इसको मोडिटाइज मैं कैसे करता हूँ कि क्यों ना एक बार मैं गोवा गया था ठीक है और मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि क्यों ना गोवा का जो खर्चा है वो गोवा में ही निकल जाए ओके गोवा का खर्चा गोवा में ही जब मैं गोवा में घूम रहा हूँ उसी टाइम पे ही खर्चा निकल जाए तो मैं वहां पे मैंने खूब सारी शॉर्ट मतलब रील्स या शॉर्ट्स यूट्यूब शॉर्ट्स बनाए और मैंने कुछ आ, ये क्या बोलते हैं ईमेल्स पहले से शेड्यूल करके रख दी थी

जो खासकर जो लोग जॉब में है यार ये कैसे हो सकता है कि नो वर्क डे ठीक है ऐसा क्या काम कर रहे हो भाई जहाँ पे कुछ काम हालांकि संडे है संडे भी तो नो वर्क डे होता है लेकिन मैं उसको अलग तरीके से बोल रहा हूँ नो वर्क डे और नो वर्क डे में मैं जानू के कुछ लिखता हूँ कि टुडे आई एम नॉट वर्किंग टुडे और बहुत सिंपल सिंपल चीजें टुडे वी वेंट फॉर ए मूवी देन वी वेंट फॉर ए डिनर देन वी वेंट मतलब फॉर ए फाइव स्टार होटल यहाँ पे रुके देन मैं सिंपल सिंपल चीजें लिख रहा हूँ जो रियलिटी में हो रही है फिर but you might be wondering how i am making money i am my webinar is in auto mode team meeting is in auto mode email in auto mode would you like to know more about this or would you like to partner with me would you like to enjoy so come to my webinar and webinar sab cheez auto mode pe chal rahi hai to main isko no work day ki tarah promote karta hu plus wahan pe content bhi create karta hu और लोगों को show off नहीं कई लोग आप देखेंगे network marketing में बड़े बड़े hotel में बैठकर बड़ी ऐसी घड़ी वड़ी पहन के और ऐसे करके photo खिंचवाते रहते हैं तो इस तरीके से मैं ज़्यादा ऐसे नहीं फोटो खिंचवाता हूँ मैं Uh, uh, क्या बोल सकते हैं अच्छी फीलिंग देना चाहता हूँ लोगों को कि दिस इज पॉसिबल इफ यू कैन ऑटोमेट योर बिजनेस और काम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं करना काम भी करो काम करने के बाद आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो फैमिली को भी टाइम दे पा रहे हो और बिजनेस को ऑटोमोट पर रख पा रहे हो तो लोग अगर इंस्पायर होते हैं आपके ज्यादा रिचनेस से कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग में दिखाते हैं कि लोग इंस्पायर होंगे कि देखो फाइव स्टार होटल में मैं ये खा रहा हूँ और कई बार मैं देखा लोग वीडियो भी स्टे सुनाते हैं हेलो दोस्तों आज मैं फाइव स्टार होटल की जिंदगी जी रहा हूँ और आप भी फाइव स्टार होटल की जिंदगी जीना चाहते हो टाइप तो ये मेरे ख्याल से लोगों को पसंद नहीं है क्योंकि लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है अगर वो आपको बहुत खर्चा करते हुए देखते हैं ना तो लोग चिड़ते हैं ये नॉर्मल साइकोलॉजी है जिसको बोलते हैं नजर लग गई है नजर लग जाती है है ना क्योंकि आप दिखा इस तरीके से रहे हो अपनी पर्सनालिटी तो लोग नजर लगाएंगे या मतलब नेगेटिव एनर्जी देंगे आपको लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी को शेयर कर रहे हो इस तरीके से आई एम नो वर्क डे बिकॉज आर मेनी थिंग्स हैपनिंग इन बैक बैक एंड थैंक थैंक यू यू टू टू कजाबी ऑल टीम मेंबर्स और आप उसमें ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड लेकर आ जाते हो अगर आप तो वो नेगेटिव एनर्जी क्यूरियस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है दे बिकम क्यूरियस की वॉट यू डू

ठीक है जैसे हम बोलते हैं कि मनी कैन नॉट बाई है बट ये झूठ है अगर आप किसी को रुपए देते हो तो देखो वो उसके उसकी हैप्पीनेस जब वो हैप्पी होता है तो आप भी हैप्पी वो जो हैप्पीनेस होती है वो कैप्चर करते हो तो मनी कैन बाई ओके इफ यू डू चैरिटी सिमिलरली हैप्पी सीसी हमने बोला कि आप अपनी आई डी सी सी करो मजा नहीं आता दूसरी आई डी सी सी करो दूसरों ने आगे जा रहे हैं उसके जो थैंक यू जो बोलेगा वो जो सिचुएशन बनती है यू फील हैप्पी ओके बट कोई भी चीज अगर आप में हो है ना, अंदर से बड़ी तकलीफ हो रही है रुपए देने, तो। देने में तो उस टाइम पे वो नेगेटिव एनर्जी लेके आता है वो मनी ठीक है मैं इस चीज को मानता हूँ तो क्यों ना हैप्पी एनर्जी लेके हमें मिले हम जब हाई वैल्यू दे रहे हैं किसी को और हमारे बिजनेस में कोई बंदा स्टार्टर किट परचेज कर रहा है तो उसको ये फील ना हो कि मैंने ये रुपए लगा दिए कहीं डूब गए तो बल्कि उसको ही फील हो कि मैंने सही जगह मतलब मैंने रुपए इन्वेस्ट करे हैं उसको फीलिंग आए ठीक है ठीके? तो वो सारा का सारा ये सब फीलिंग का ही है तो डेट्स वाई आई कॉल स्टेकेशन एज नो वर्क डे और उससे क्या होता है कि uh, मतलब जो मेरी वाइफ है उनको भी अच्छा फीलिंग होता है कबीर को भी अच्छा फीलिंग होता है मुझे भी अच्छा फीलिंग होता है जो लोग देख रहे हैं उनको भी अच्छा फीलिंग होता है तो एवरी बडी इज हैप्पी तो ठीक है तो ये एक डीप माइंड सेट है ओके ओके क्लियर यही सब चीज पूछनी थी मुझे क्योंकि एक्चुअली uh, मैं कभी ऐसे राजस्थान के बाहर ऐसे ज्यादा घूमने नहीं गई अभी uh, जुलाई में गई थी तब भी वो होता ना कि सडनली uh, प्लान बना और जाने का हो हुँ. गया कश्मीर और ये सब uh, काफी प्लेसेस मैंने विजिट की थी लास्ट uh, जुलाई में ट्वेंटी पर अभी तो इस बार अभी सिक्किम जाने का प्लान है ट्वेंटी की फ्लाइट है तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा जब मैं फ्लाइट में जाऊंगी क्योंकि कभी गई नहीं मैं कई बार

हाँ कभी कभी ऐसा भी लगता था कि जैसे मेरे भैया वगैरह कहीं जाते थे तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे मन में ऐसा था कि होता है ना कि शादी के बाद ही आप घूमने जा रहे हो है ना बहुत सारी बहुत बार फैमिलीज में कुछ कुछ चीजें रहती है तो मुझे ऐसा था कि जब मैं पैसे कमाऊं तब मैं मेरे पैसों से जाऊं और थोड़ा सा मुझे ये भी लगता था कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ है ना थोड़ा घूमना फिरना और ये सब चीजें तो मेरा ये था कि अफोर्डेबिलिटी बढ़े जब मैं कहीं बाहर जाऊं तब मेरे दिमाग में यह आए कि अगर चंचल ऐसी लाइफ जीनी है उस तरीके से प्लान कर तो इस तरीके से जैसे अभी मैंने जब जाने का सोचा तो अभी अगर दिन अवेलेबल नहीं रहूंगी नहीं। तो इन पंद्रह दिन में ऐसा क्या काम करूँ कि मुझे जो रेगुलर रिजल्ट आ रहा है वो जो तीस दिन में रिजल्ट आ रहा है वो पंद्रह दिन में आ जाए और जब मैं वहां से आऊ तो मेरा बिजनेस टू हो जाए तो उसके लिए मैं अभी क्या करूँ तो ये सारी चीजें ही मैं इसमें लगी हुई तो मेरा मैक्सिमम भी फोकस यही कि मैं जाद़ 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 है। तो मैं ज्यादा ज्यादा से कंटेंट क्रिएट करूं मैक्सिमम लीड्स मुझे आए तो आपसे भी यही जानना चाह रही थी कि और अगर मैं सिक्किम जाऊं तो वहां का ट्रिप मेरे लिए वो फ्री हो जाए और अगर मैं फ्रिक्वेंटली प्लान करूँ तो ऐसा मैं क्या करूँ जिससे की जैसे मैं ट्रेवल भी कर रही हूँ तो वहां पर भी मैं काफी लोगों से मिलूंगी तो कहीं ना कहीं कभी कभी दिमाग में आता है कि वी आर इन इन द बिजनेस जहां पर हम हुँ. काफी लोगों को का तो अपॉर्चुनिटीज uh, uh, prospect, नहीं करना हुँ. चाहती लेकिन, हो, हो जाए। भी नहीं करना, ना, लेकिन हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो मैं बस आपसे यही जानना चाहती रही थी ऐसा पॉसिबल हो सकता है की मैं वहां जाऊँ रोड ट्रिप भी फ्री हो जाए और मैं इंजॉय भी करूँ और बिजनेस इवन टू एक्स हो जाए तो ये सारी चीजें थी इसी वजह से मैं आपसे ये जानना चाह रही थी बिल्कुल वही वही बात है ना कि आ, कोई भी अगर पर्सन जैसे आपकी सोशल मीडिया में प्रेजेंस है ठीक है प्रेजेंस टेक्स्ट के फॉर्मेट भी भी हो सकती है जो आपने टेक्स्ट लिखे फोटो के फॉर्म में भी हो सकता है वीडियो के फॉर्म में भी हो सकता है ठीक है जो भी आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है मेन चीज क्या है कि आपके पर्सनलिटी से रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है एक होता है कि ठीक है आप एक बिजनेस हो लोगों को एक्चुअली बिजनेस में भी इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस हो या जॉब हो इट इज जस्ट अ व्हीकल ये एक साधन है एक पर्टिकुलर लाइफ जीने का अपने स्टाइल में सिंपल है ठीक है बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं जॉब जॉब और बिजनेस में डिफरेंस क्या है वो दुनिया भर की थ्योरीज है बट सिंपल अगर बात करें जॉब और बिजनेस में डिफरेंस ये है कि बस बिजनेस में आपके पास फ्रीडम है ठीक है डू बिजनेस टू हैव दिस फ्रीडम कि आप कहीं पर भी जा सकते हो और जो सोच सकते हो वो खुद कर सकते हो बिना किसी और पर्सन के डिपेंडेंसी के सो so, सोशल मीडिया में जो हमारी प्रेजेंस है वो प्रेजेंस रिफ्लेक्ट क्या कर रही है क्या वो रिफ्लेक्ट ये कर रही है कि मैं जानबूझ के ये दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ जिससे कि आप भी मेरे बिजनेस में हो नहीं मैं तो कॉन्सिक्वेंस बता रहा हूँ क्योंकि मैंने डिसीजन दिया इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि आज मैं सिक्किम में हूँ इट्स द कॉन्सिक्वेंस आप कॉन्सिक्वेंस शेयर कर रहे हो ठीक है और उस कॉन्सिक्वेंस को ब्यूटीफुली अगर आप शेयर करते हो तो दूसरे पर्सन भी क्यूरियस होते हैं इवन आपकी जो डाउनलाइन है आ,

This, जब मैं इस टाइम पे ट्रिप में होंगी उस टाइम पे मैं मतलब ये सब एक्सप्लोर करने का मेरा प्लान है, है और आप उनको गलत वे में इंस्पायर नहीं कर रहे हो अच्छे वे में इंस्पायर कर रहे हो करेक्ट और वी आर नॉटनेस कोच वी आर ए लाइफ कोच हम जब तक अपनी टीम में एक बेटर लाइफ जीने के लिए उनको इंस्पायर नहीं करेंगे तब तक बिजनेस का कोई सेंस नहीं है राइट right? सो so, मैं 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 भी इस तरीके से बोलता हूँ डी एन ए क्लब या इवन कभी कभी ईमेल भेज देता हूँ ऐसी नो वर्क डे टू नो मोर अबाउट हाउ आई एम स्पेंडिंग दिस डे ओके क्लिक हेयर एंड स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम चेक आउट माई स्टोरीज तो उससे क्या होता है कुछ लोग स्टोरी देखते रहते हैं और स्टोरीज में मैं अपने बिजनेस को प्रमोट करता हूँ इनडायरेक्टली ओके तो कई स्टोरीज का मतलब ये नहीं कि हमेशा एक फोटो खिंचवानी है स्टोरी कैन बी ओके डे वन एग्जाम्पल डे वन इन सिक्किम ओके just checked in, in my hotel and, uh, just got to know that I got this email somebody has joined me as a downline बस और कुछ नहीं बोलना है काम हो गया इतने में सिमिलरली ऐसे ही मैंने एक फोटो डाली थी एक सेंडोज करके एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पे एन एस पी डेली में नेताजी सुभाष पुलिस तो वहाँ पे हम लोग लंच कर रहे थे और जब लंच कर रहे थे तो उस टाइम पे मतलब

अब, अब को, awesome को डेवलप किया एंड थैंक्स टू माई मेंटर्स जिन्होंने स्मार्ट टूल को स्मार्टली कैसे यूज करना है इसलिए मुझे स्मार्ट यूजर बनाया okay? तो नाउ पूरी एनर्जी को हम वहां ले गए जो कि रियलिटी भी है ठीक है क्योंकि बहुत सारे स्मार्ट टूल्स हैं बट हम लोग स्मार्ट नहीं है उसको यूज करने के लिए तो थैंक्स टू माय मेंटर्स जिन्होंने सिखाया थैंक्स टू डेवलपर्स जिन्होंने बनाया एंड बस आई एम दैट्स व्हाई आई एम एंजॉयिंग दिस तो तो थैंक यू वाले एटीट्यूड में हम लेके चले गए और फिर नेक्स्ट स्टोरी में आप जा सकते हो क्लिक हियर टू अटेंड माय नेक्स्ट वेबिनार तो पूरी टीम को आप अपने Instagram पे कनेक्ट करके रखिए और यू हैव टू अगेन एंड अगेन से थैंक यू इवन अगर कोई इवन वेल जब आप सिक्किम में है ठीक है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहे हो न्यू ज्वाइनिंग न्यू ज्वाइनिंग में भी आपके डाउनलाइन में किसी ने न्यू ऑफ इंस्पिरेशन ओके तो आप स्टोरी में डाल रहे हो वा आई गॉट एग्जाम्पल सजीता आपके डाउनलाइन में सजिता खान है ना सजिता तो फिर एग्जाम्पल ठीक है तो आई जस्ट रिसीव दिस मैसेज इन माई व्हाट्सएप ग्रुप सजीता खान माई डाउन लाइनिंग From from this, while I'm in Sikkim, I got a new business from South India. Example, okay. So, thanks, 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 फ्रॉम दिस वाइल आईम इन सिक्किम आई कॉड यू बिजनेस आप, तो तो आप, आप, आप एंजॉय करो अब आप काम भी नहीं करना चाहते ये भी है तो so, ठीक है here, attend my webinar, और click here and connect with ऑफ माई my downline. तो so, जब आप कहीं जाओ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कहीं जाओ आप आपने कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को बता के चलो कि जब मैं वहां पे हूँ तो उस टाइम पे आपको मेरा बिजनेस देखना जैसे इन माय केस कभी आप देखते हैं कभी विक्रम देखते हैं कभी अतुल मेरे टीम मेरे में उन लोग देखते हैं तो मैं उनको बिल्कुल क्लियर बता के रखता हूँ कि यार मैं अभी जैसे मान लीजिए अभी वाइफ का तबियत खराब है तो हॉस्पिटल लेके जाना तो मैं क्लियर कर बताता हूँ इस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ सो so, कोई भी मैसेजेस होते हैं तो मैं वहाँ पे जो देखता हूँ ना डी एन क्लब डॉट इन स्लैश कनेक्ट वो एक्चुअली कनेक्ट करके सीधा विक्रम के पास जाते हैं तो मेरे को पता है कि अगर उस टाइम पे कोई मुझे मैसेज करेगा मैं उसका रिप्लाई नहीं करना चाहता लेकिन प्रोस्पेक्ट चाहता है कि मुझे इमीडिएटली बताओ क्या है तो उस टाइम पे मैंने रेडी किया हुआ एक पर्सन को उसको पूरा डेलीगेट सब कुछ मैसेज उसके पास जा रहे हैं तो वहां से कोई ना कोई सेल निकलती है तो डीएनए क्लब की या एफ की तो तो क्या हो रहा है बिजनेस ग्रो हो रहा है बस मेरी एक इंस्टाग्राम स्टोरी मैंने डाली अगर किसी ने टू सी भी कर लिया मैं मैनेजर लेवल पे हूँ चार साढ़े चार हजार रुपए आ गए बिना किसी एफर्ट के करेक्ट तो फिर यही है तो क्या होना है एकदम से गायब नहीं होना कुछ एक दो लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है कि जब मैं वहाँ पर रहूँगी इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी मैं मार्केटिंग करूँगी और आप इसको मोनिटाइज करो अपनी डाउनलाइन में भी ज्वाइनिंग जोएन, हो रही है तो अच्छा ही है दो तीन लोग ऐसे होने चाहिए जो मतलब फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं आपके डाउनलाइन में और आपकी तरह ही मतलब फुली कमिटेड हैं दो तीन लोग ऐसे अच्छे होने चाहिए उनको रेडी करिए फिर इन्जॉय करिए ठीक है तो काफी सारे आइडियाज मिले क्योंकि पिछली बार जब मैं जम्मू कश्मीर में थी तो मैंने काफी सारे कंटेंट शूट करे इवन रिजल्ट भी आया लेकिन आ, और अच्छा मैं चाहती थी कि इस बार जब जाऊं तो इस बार मतलब पूरा पूरा मतलब पंद्रह वहां पर रहूं तो अच्छा पे काम हो तो उस हिसाब से कॉन्टेंट मैं इस तरीके का ही प्लान करना चाह रही थी तो काफी सारे आइडियाज आपने शेयर करे डेफिनेटली मैं इम्प्लीमेंट करूंगी और मेरी टीम में है वैसे काफी लोग जिनको मैं डेलीगेट कर सकती हूँ साजिदा है हजरत टेल है और भी बहुत सारे लोग हैं जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको डेफिनेटली अपडेट करूंगी और हम हाँ, मीटिंग्स भी है मेरी अभी इस मंथ में नौ और तेरह को भी है तो डेफिनेटली okay. मैं बार बार कनेक्ट उनको कनेक्ट करने के लिए बोलूंगी Instagram पे तो काफी अच्छा रहेगा रहे। राइट बिल्कुल ऐसे ही करिए और एंजॉय करिए मैं स्टेकेशन हो गया ठीक <laughs> है तो बस यही पूछना था सर आज तो ठीक फिर नेक्स्ट तो किसी और टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे हाँ शोर शोर शोर